चलिए जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पीयून की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश का एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में काम आएगा। सिर्फ पीयून की बात नहीं होगी, आपके कोई भी एग्जाम जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं उसमें यदि अंग्रेजी है तो उस पर आपका काम आने वाला है। टॉपिक क्या रहेगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम लोग करने वाले हैं, किस प्रकार से इसका आधार बनता है, अंग्रेजी में शब्द किस प्रकार से बनते हैं उसको सीखेंगे। शुरुआत में हो सकता है आप लोगों को लेक्चर थोड़ा सा से लगे कि क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा सब्र करिएगा, लेक्चर को पूरा समझिएगा, तब आपको सारी चीजें आराम से समझ में आएगी। अगर आप फेसबुक पे होंगे तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चलाते होंगे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए, यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जब भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात आती है हम लोगों को कुछ कीवर्ड समझने हैं। जैसे यदि आप हिंदी में पढ़े होंगे तो हम लोग पढ़ते हैं ये धातु से बना, जैसे पढ़ना किससे बना है, पठ धातु से बना है, इस प्रकार का चलता है ना। तो वैसे ही कुछ शब्द रहते हैं, आपको एमसीक्यू में जब भी आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन टिक करना है। तो यदि कुछ भी नहीं आता, जीरो लेवल पे है, तब भी कुछ कीवर्ड्स हम लोग बताएंगे, वो कीवर्ड्स यदि आपको पता है तो आप लोग थोड़ा बहुत पहुंच जाएंगे। जैसे समझिएगा, इसको बोलेंगे प्रीफिक्स, रूट या सफिक्स। प्रीफिक्स, रूट या सफिक्स बोलेंगे। प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग होता है, सफिक्स मतलब प्रत्यय होता है, और उसका अर्थ दिया है। जैसे आया शब्द एलओजीवाई, एलओजीवाई क्या होता है? लॉजी। लॉजी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ। स्टडी ऑफ मतलब जब भी किसी चीज का आप अध्ययन करेंगे उसके अंत में, अंत में क्या लगा रहेगा? लॉजी लगा रहेगा। जैसे मान के चलिए यदि आप पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो कैसे बोलेंगे? इकोलॉजी, है ना। भूगोल का अध्ययन करते हैं, जियोलॉजी, इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। लॉजी मतलब स्टडी ऑफ। ग्राफी, ग्राफी की जब बात आएगी तो ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग या लिखना। बिब्लियो, बिब्लियो का अर्थ क्या होता है? बुक। जब भी आपको बुक से रिलेटेड कुछ दिखेगा शब्द बना हुआ तो बिब्लियो रहेगा। एंथ्रोपो का मतलब क्या होता है? मैनकाइंड, मानव के बारे में यदि बात करेगा तो एंथ्रोपो रहेगा। आर्बोरी का मतलब क्या होता है? ट्री एंड वेजिटेबल्स, ट्री और वेजिटेबल। जब भी पौधों और सब्जियों की बात आएगी, पेड़ों और सब्जियों की बात आएगी, आर्बोरो यूज करेगा। एस्ट्रो, आप लोग सुनोगे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इस तरीके का। तो एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? स्काई और स्टार, है ना, आसमान बोल दो, तारे सितारे बोल दो, अंतरिक्ष हम लोग बोल सकते हैं, एक प्रकार का एस्ट्रो होगा। बैक्टीरियो, बैक्टीरियो से क्या बनेगा? बैक्टीरिया। जब भी बैक्टीरिया की बात आएगी तो बैक्टीरियो होगा। जैसे मान के चलिए बैक्टीरिया का अध्ययन क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोलॉजी, हम लोग देखेंगे आगे में, है ना। ब्यूटीफुल, सुंदर को क्या बोलेंगे? कालोज, है ना, कैलोज बोलिए, कालोज बोलिए, कालो, कालो मतलब क्या लगता है? काला, काला, कालो का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटीफुल, सुंदर। फिर से ग्राफी वही है, राइटिंग आपको देखने को मिलेगा। इधर आएंगे क्रोनो, क्रोनो का मतलब क्या होता है? टाइम। आप लोगों को अमित शाह का पता होगा, आप क्रोनोलॉजी तो समझिए। क्रोनोलॉजी मतलब क्या है? समय का अध्ययन करना, एक के बाद एक के बाद एक, वो भी समझेंगे। ऐसी साइटो, साइटो का मतलब क्या होता है? सेल्स, जो कोशिकाएं होती हैं जो बॉडी में, शरीर में आपकी कोई भी कोशिकाएं हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? साइटो, है ना। डैक्टिल का मतलब फिंगरप्रिंट्स, जो फिंगरप्रिंट्स रहते हैं आपके, जैसे उंगलियों के निशान रहते हैं उसको बोलेंगे। डेमो पॉपुलेशन हो जाएगा। एथो एनिमल बिहेवियर हो जाएगा। एटिमो ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ऐसी गैनिया फैमिली असिस्टेंट। जियो का मतलब अर्थ, पृथ्वी का मतलब क्या है? जियो। अब जैसे मुझको बोलना है पृथ्वी का अध्ययन करना, समझिएगा, जियो पकड़े पृथ्वी के लिए, अध्ययन पकड़े लॉजी के लिए, या स्टडी को क्या पकड़े हम लोग? लॉजी। तो अर्थ का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ अर्थ क्या कहलाएगा? जियोलॉजी। ये होते हैं कुछ ट्रिक्स, आपको ये कीवर्ड या रूट वर्ड याद करने पड़ेंगे। हिस्टो का मतलब क्या होता है? टिश्यूज, जो ऊतक होते हैं उनको बोलते हैं हिस्टो। ऐसी कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं आप लोगों को और दे देता हूं जिसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और याद करेंगे साथ साथ। हैजिगो, लाइव्स ऑफ स्टेन्स या सेंट्स। आइकोनो पिक्चर्स होता है, पिक्चर या आइकन जानते होंगे। ऐसे ही लेक्सिको डिक्शनरी के बारे में होता है। ओडोंटो टीथ के बारे में होता है। और इंथो बर्ड्स को बोलते हैं। पेट्रो, पेट्रो का मतलब क्या होता है? रॉक्स, पत्थर, है ना, पत्थर से ही बना पेट्रो, पेट्रो का मतलब रॉक। फिलो, फिलो का मतलब रिटेन रिकॉर्ड्स, जब भी आप कोई रिकॉर्ड लिख के रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिलो। सिस्मो अर्थक्वेक, अभी हाल ही में बैकुंठपुर के आसपास भूकंप आया था सरगुजा संभाग में, तो वो उसको किस में नापा जाता है? सिस्मोग्राफ में नापा जाता है। तो अर्थक्वेक, जो भूकंप होते हैं उनका एक मशीन रहती है ऐसे ऐसे से, उसमें आता है आपका पूरा रिकॉर्ड होते जाता है। तो सिस्मोग्राफी या सिस्मोग्राफ कैसा होगा? एक मशीन होगा जो भूकंप का अध्ययन करेगी। केव्स को क्या बोलेंगे? स्पेली बोलेंगे। ऐसी इधर आ जाइएगा एनिमो, एनिमो का मतलब होता है हवा। जैसे एनिमोमीटर एक यंत्र होता है जो हवा की गति नापने का काम करता है। जू एनिमल लाइफ, है ना, हम लोग कब सब जानते हैं जू का मतलब क्या होता है, आप जू अगर गए होंगे तो समझते होंगे। एग्रोस्टो ग्रास होता है।
एपीओ मतलब बीज मधुमक्खी होता है और एग्रो संबंधित है एग्रीकल्चर से। जब भी खेती किसानी की बात आएगी तो एग्रो हम लोग सुने होंगे, एग्रो फूड, एग्रो प्रोडक्ट, वो क्या है, कृषि से उत्पन्न प्रोडक्ट के बारे में है। ये कुछ कीवर्ड है, ऐसे ही हजारों कीवर्ड्स मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको हम लोगों ने डाला है। कोशिश करेंगे आगे ऐप में या टेलीग्राम में हम लोग पीडीएफ डाल दे पूरा कीवर्ड्स का। चलिए अब किस प्रकार से बनाना है कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसको। चलिए तो जैसे देखिए, द स्टडी ऑफ लिस्ट ऑफ बुक्स, क्या बोलता है, द स्टडी ऑफ लिस्ट ऑफ बुक्स, पुस्तकों के अध्ययन को क्या बोला जाएगा। तो आपको बुक्स पकड़ना है और स्टडी पकड़ना है, दो पॉइंट पकड़ेंगे, एक स्टडी और बुक्स को पकड़ेंगे। तो जैसे स्टडी को हम लोग क्या बोल रहे थे, लॉजी, और बुक को हम लोग क्या बोल रहे थे, बिब्लियो। तो क्या हो जाएगा, बिब्लियो प्लस लॉजी, क्या बनेगा, बिब्लियोलॉजी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको बहुत काम आएगा ये चीजें, और कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आराम से बनेंगे। तो स्टडी के लिए हम लोग पकड़े हैं लॉजी, बुक्स को बोले बिब्लियो, तो क्या बन गया, बिब्लियोलॉजी। ये क्या कहलाएगा, द स्टडी ऑफ लिस्ट ऑफ बुक्स। ऐसे ही सेकंड पॉइंट आता है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड को क्या बोलेंगे। तो देखिए मैनकाइंड को हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपो, और इसके बाद लॉजी। एंथ्रोपो मतलब मैनकाइंड, लॉजी मतलब अध्ययन, क्या हो गया, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या हो गया, मानवता का अध्ययन या मानवों का अध्ययन बोल सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स, है ना, आपके पेड़ पौधों को उगाना, सब्जियों को उगाना, इसको क्या बोलेंगे, कल्टीवेशन है। तो देखिए आर्बोरी हमने पढ़ा था ट्री और वेजिटेबल का, और कल्चर, कल्चर मतलब क्या होता है, उगाना। तो आर्बोरी कल्चर, ये क्या हो जाएगा, द कल्टीवेशन ऑफ ट्री एंड वेजिटेबल्स। उम्मीद है पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ऐसी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो बैक्टीरिया को क्या, बैक्टीरियो लॉजी हो गया, तो बैक्टीरियोलॉजी। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, है ना, सुंदर सुंदर लिखने की कला, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, राइटिंग को पकड़िए और ब्यूटीफुल को पकड़िए, क्या क्या पकड़ेंगे, ब्यूटीफुल और राइटिंग। तो ब्यूटीफुल को हम लोग क्या बोले थे, कालोज, याद है, कल्लू, है ना, कल्लू से पकड़िएगा, कालोज, सुंदर बोलते हैं। अगर आप किसी को बोलते हो तुम कल्लू हो, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, है ना, बट अगर आप किसी को बोलते हो तो अगर वो अंग्रेजी मिलेगा बोलेगा मेरे को सुंदर बोल रहा है। और ग्राफी, ग्राफी का मतलब क्या होता है, लिखना। तो कालोज और ग्राफी बनके स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज रहेगा, कैलीग्राफी हो जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा इंग्लिश में कैलीग्राफी की क्लास, कैलीग्राफी की क्लास, तो ये कैलीग्राफी हो जाएगा। चलिए ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा स्टडी ऑफ टाइम पीरियड्स, ओके, समय का अध्ययन करना। तो समय को हम लोग किससे दिखाए थे, क्रोनोस दिखाए थे, और लॉजी था अध्ययन, तो क्या हो जाएगा, क्रोनोलॉजी। अमित शाह का सुने हो क्या आप, क्रोनोलॉजी समझिए, वो क्या बता रहे हैं, समय का अध्ययन करिए, आपको समझ में आएगा किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या। ऐसी स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, या हेवनली बॉडीज के अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो कॉस्मो, कॉस्मो मतलब क्या होता है, हेवनली बॉडीज, और लॉजी, कॉस्मोलॉजी हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी हो जाएगा स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। ऐसे ही स्टडी ऑफ सेल्स, तो सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटो और लॉजी, अध्ययन क्या हो गया, साइटोलॉजी। जनरली अध्ययन वाले ज्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए एग्जाम्पल उसके ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स, जो फिंगरप्रिंट के अध्ययन करता है, आप लोग देखोगे जब भी कोई अपराध होता है फॉरेंसिक एक लैब रहती है जिसमें फिंगरप्रिंट्स का अध्ययन किया जाता है, तो फिंगरप्रिंट के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, डैक्टिलो और लॉजी, तो क्या हो जाएगा, डैक्टिलोलॉजी। ये क्या हो गया, अध्ययन हो गया किसका, फिंगरप्रिंट का। स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण के अध्ययन को, तो एनवायरमेंट को बोलेंगे इको, और लॉजी क्या बन गया, इकोलॉजी, एक विषय होता है स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, जिसमें हम लोग पर्यावरण को पढ़ते हैं, क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, आपके कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजी, क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। एंटोमो इंसेक्ट्स को बोलते हैं, और लॉजी हो जाता है अध्ययन, क्या कहलाएगा ये, एंटोमोलॉजी। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्टडी ऑफ फैमिली एंसेस्ट्रीज, ओके, स्टडी ऑफ फैमिली एंसेस्ट्रीज को क्या बोलेंगे, जेनेया, जेनेया मतलब क्या हो गया, फैमिली और लॉजी, जेनेयोलॉजी या जीनोलॉजी बोल देते हैं, जेनेयोलॉजी। ओके चलिए स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, तो अर्थ को हम लोग बोलते हैं जियो, लॉजी होता है पढ़ने को, तो जियोलॉजी स्टडी हो गया। स्टडी ऑफ टिश्यूज, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, और लॉजी मतलब होता है अध्ययन, क्या बना, हिस्टोलॉजी बना। ऐसे ही स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, आपके
फल पत्ती इन सब के अध्ययन को क्या बोलेंगे? तो फल पत्ती के लिए हो गया हॉर्टी और इसके बाद हो गया कल्चर। क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर आपका हो जाएगा इस पे, या हॉर्टी आप बोल सकते हैं, हॉर्टियोलॉजी, यहाँ पे कल्चर मत लीजिएगा, हॉर्टियोलॉजी ये आपका सही हो जाएगा। स्टडी है तो कल्टिवेशन होता तो कल्चर लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ सेंट्स, ओके, संतों की स्टडी करना उनके जीवन की क्या कहलाएगा? तो संतों को क्या बोलते हैं? हेजियोलॉजी, हेजियोलॉजी हो जाएगा। चलिए स्टडी ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कुछ सिंबल्स रहते हैं उनका अध्ययन करना। अब सिंबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आइकोनो, है ना, आप लोग सुने होंगे, छोटे छोटे इमोजी आते हैं, आइकन्स आते हैं, जो कंप्यूटर चलाते सुनते होंगे ना, आइकन है ये, आइकन है ये, आइकन है, वो आइकन क्या है? एक प्रकार की पिक्चर रहती है, सिंबल रहता है रिप्रेजेंटेशन करना। जैसे आप में से कई कंप्यूटर लोग चला कंप्यूटर चलाएंगे तो ऐसे माई कंप्यूटर का अलग से बना रहता है, रिसाइकल इवन का एक आइकन अलग से रहता है, ऐसे दिखता है। तो वही है आइकन और लॉजी, क्या हो जाएगा? आइकोनोलॉजी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करना। ऐसी स्टडी ऑफ कॉम्पलिंग ऑफ डिक्शनरीज, है ना, कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज, इसमें क्या हो जाएगा? तो डिक्शनरी को बोलते हैं लेक्सिको, और लॉजी क्या हो जाएगा? लेक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ आपका डिक्शनरीज, कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज। इसके बाद स्टडी ऑफ टीथ, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा ओडोंटोस, दांत को बोलते हैं, और लॉजी अध्ययन ओडोंटोलॉजी। ओके चलिए, मेरे प्रोनंसिएशन भी मत जाइएगा, मेरा प्रोनंसिएशन थोड़ा सा गांव वाला रहता है, हम लोगों को स्पेलिंग सही लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है? स्पेलिंग सही ठीक करना है, वो आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा स्टडी ऑफ बर्ड्स, है ना, पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो बर्ड्स के लिए हमारे पास क्या था? ऑरिंथोस और लॉजी, क्या बन गया? ऑरिंथोलॉजी, है ना, बर्ड के लिए ऑरिंथो था, लॉजी अध्ययन के लिए ऑरिंथोलॉजी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कुछ एग्जांपल हम लोग और करने वाले हैं, स्टडी ऑफ रॉक, अब रॉक के लिए क्या था जी? पत्थर हम लोग बोले थे पेट्रो, है ना, पेट्रो पत्थर के लिए क्या हो जाएगा? पेट्रो, और स्टडी के लिए क्या हो जाएगा? लॉजी। तो वैसे ही दिखेगा, पेट्रो और लॉजी, क्या हो गया? पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ रिटेन रिकॉर्ड्स, है ना, रिटेन रिकॉर्ड्स को हम लोगों ने क्या बोला था आपका? फिलियो, है ना, फिलो और लॉजी, फिलोलॉजी, फिलियो मत करिएगा, फिलो है, फिलोलॉजी। फिलियो का मतलब क्या होता है? फिलिक का मतलब क्या होता है? प्यार करना, उसको भी समझेंगे आगे में है एग्जांपल। स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग्स, जो प्राचीन काल में लिख के चले गए जो हम नहीं पढ़ पाते हैं उनका अध्ययन, जैसे आप लोगों को प्राकृत वाली लिपि नहीं आती होगी, है ना, मोड़ी वगैरह नहीं आती होगी, तो उनको कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में है। तो पैलियो, पैलियो मतलब क्या होता है? एंशिएंट ग्राफी मतलब राइटिंग, तो पैलियोलॉजी या पैलियोग्राफीलॉजी इस तरीके से हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए ऐसी आएंगे स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, है ना, आपका भूकंप का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? सिस्मियो, सिस्मियो मतलब होता है अर्थक्वेक, और लॉजी, लॉजी मतलब हो गया अध्ययन करना, सिस्मियोलॉजी, अर्थक्वेक भूकंप का अध्ययन करना, सिस्मियोलॉजी हो जाएगा। स्टडी ऑफ केव्स, गुफाओं का आपको अध्ययन करना है तो सेपेली केव्स कहते हैं, लॉजी सेपेलियोलॉजी, ये क्या हो गया? गुफाओं का अध्ययन। कभी हॉस्पिटल भी जाएंगे तो ऐसी अजीब अजीब नाम देखने को मिलते हैं ना, ये वाले डिपार्टमेंट का ये है, ये वाले डिपार्टमेंट का ये है, वहां पे ऐसे नहीं लिखा रहेगा, आंख डिपार्टमेंट है, अगर प्राइवेट में जाते हैं दिल का डिपार्टमेंट है, दिमाग का डिपार्टमेंट, ऐसे नहीं, कुछ कुछ अलग अलग नाम रहते हैं, वो ऐसे ही मिलते हैं। चलिए स्टडी ऑफ एनिमल्स, जंतुओं के अध्ययन को क्या बोलेंगे? तो एनिमल को हम लोग बोलते हैं जू और लॉजी, जूलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, जूलॉजी जीव विज्ञान में आ जाएगा आपका, जंतु अध्ययन जंतु विज्ञान कहते हैं। चलिए स्टडी ऑफ बीज, मधुमक्खियों का अध्ययन करना है, अब बी के लिए आपको पता होगा एपियो बोल रहे थे हम लोग, लॉजी हो गया, एपियोलॉजी हो गया। चलिए स्टडी ऑफ ग्रासेस, घासों का, घासों का अध्ययन को क्या बोलेंगे? तो एग्रोस्ट्रोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी क्या हो जाएगा आपका? घासों का अध्ययन। स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, है ना, आपका कृषि योग्य जो आपकी भूमि रहती है मिट्टी, उसका अध्ययन करने के लिए क्या हो जाएगा? एग्रोलॉजी, एग्रोलॉजी हो गया खेती से रिलेटेड। इसके अलावा स्टडी ऑफ विंड्स, हवा का अध्ययन करना, तो हवा के लिए क्या था? एनिमोलॉजी, क्या बन गया? एनिमोलॉजी। चलिए ऐसी है स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी के अध्ययन को क्या बोलेंगे? एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी हो जाएगा एल्गी का अध्ययन। चलो आगे बढ़ते हैं, द साइंस दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार का अगर आया द साइंस दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो बायोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं बायो, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवित वस्तु को हम लोग दिखाते हैं बायो, उसका अध्ययन करना लॉजी। ऐसी अब बायोग्राफी ऑफ योर सेल्फ, ओके, देखिएगा ग्राफी है मतलब लिखा, बायोग्राफी अपने बारे में यदि आप कोई चीज लिखते हो तो उसको क्या बोला जाएगा? तो इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? जीवन परिचय,
आप अपना ही अगर जीवन परिचय खुद लिखते हो तो क्या कहलाएगा? ऑटोबायोग्राफी। आपने अपना जीवन परिचय खुद लिखा तो क्या कहलाएगा? ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। ऐसे ही है द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर इंटरडिपेंडेंट। ओके, इसके लिए क्या होगा? तो सिम्बायोसिस होगा। वर्ड याद रखिएगा, क्या होता है? सिम्बायोसिस होता है। द एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ, जब भी एक्ट ऑफ किलिंग या किलिंग की बात आएगी, किसी को मारना, तो अंग्रेजी में एक शब्द रहता है क्या? साइड। ये CIDE याद रखिएगा। साइड का मतलब होता है काटना, मारना, किसी को निपटा देना, क्या बोलेंगे? साइड। तो जब एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ आया, आप अपने आप को खत्म करने की बात कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? सू। सू मतलब स्वयं को क्या कर रहे हैं? साइड कर रहे हैं। सुसाइड क्या होता है? द एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ। ये वर्ड को याद रखिएगा, इससे बहुत सारे भी वर्ड बनने वाले हैं। साइड, जब भी किलिंग की बात आएगी, काटने की बात आएगी, क्या लगाएंगे? साइड लगाएंगे। ऐसे ही सिस्टमैटिक किलिंग ऑफ अ रेशियल कल्चर और अ ग्रुप। ओके, क्या होता है? कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई घटना घटी जाए जिसमें धीरे 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 किसी एक वंश को या एक जाति को या एक कल्चर को निपटाने की बात हो, धीरे 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 धीरे। अब कुछ एग्जांपल आपको इतिहास में दिखेगा, पर्टिकुलर कुछ वंशों को निपटा दिया गया, कुछ सभ्यताओं को निपटा दिया गया, तो इसको क्या बोलेंगे? तो सभ्यता हो गया कोई रेशियल। रेशियल का मतलब क्या होता है? अलग अलग टाइप के वंश या कल्चर। तो उनको हम लोग दर्शाते किससे? जीन से। जीनोसाइड क्या कहलाएगा? पूरे एक कल्चर को मार देना है। ये अगर आप डिबेट वगैरह देखते होंगे, ये बहुत भारी वर्ड है। ओके, याद रखिएगा, बहुत भारी वर्ड है। मतलब अगर कभी बोलते जीनोसाइड, तो मतलब मान के चलिए पूरी उस सभ्यता का नाश हो जा रहा है, इस प्रकार से रहेगा। ऐसे ही एक वर्ड आएगा, द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, एक मानव द्वारा दूसरे मानव की हत्या करना, इसको क्या बोलेंगे? तो साइड तो रहने वाला है, क्या जुड़ जाएगा? होमिसाइड, है ना। मानव को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस। तो होमिसाइड क्या हो गया? एक मानव द्वारा दूसरे मानव की हत्या करना। ऐसी द एक्ट ऑफ अ किलिंग ऑफ अ किंग, एक राजा की हत्या करना, इसको क्या बोलेंगे? तो राजा को बोल दो राजा, मतलब रेजी, और साइड क्या हो गया? रेजिसाइड, है ना, किसी शासक या किसी राजा की हत्या करना। ऐसे ही हो गया। अ केमिकल यूज टू किल इंसेक्ट्स, एक ऐसा केमिकल जो कीड़ों को मारने के काम आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीटनाशक। क्या बोलते हैं? कीटनाशक। अब कीटनाशक का सबको पता होगा क्या होता है, तो होता है इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड। ओके, केमिकल बोला है किल इंसेक्ट, तो इंसेक्ट को पकड़े इंसेक्ट से और साइड लगा दे, तो इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड, पेस्ट भी बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा किसके लिए? कीटनाशक के लिए। ऐसे ही है समवन हु लव्स एंड क्या बोलते हैं यूजुअली कलेक्ट्स बुक्स। अब देखिएगा, जब भी प्यार मोहब्बत की बात आएगी, अगर साइड्स के एग्जांपल हम लोग के यहां पर ओवर होते हैं, जब किसी से प्रेम की बात आएगी, ओके, जैसे मान के चले कोई किसी वस्तु से प्रेम करता है, किसी को चाहता है, वहां पे एक वर्ड आता है, या किसी से प्रभावित है, उसके प्रति आकर्षित है, वर्ड आएगा फिलिक। क्या आएगा? फिलिक। तो अब समवन हु लव्स बुक, अब देखिए बुक के लिए हम लोगों ने बताया था क्या था? बिब्लियो, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? बिब्लियोफाइल। ये PHIL याद रखिएगा, PHIL, फिल। फिल का मतलब क्या होता है? प्रेम करना, उसकी तरफ आकर्षित होना। तो जो बुक्स के प्रति प्रेम दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। आयोग के द्वारा पूछा गया है। ओके, वॉलेंट्री प्रमोशन ऑफ अ ह्यूमन वेलफेयर, जो इंसान के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए प्रमोशन करे, उसको क्या बोलेंगे? तो ह्यूमन के लिए हम लोगों ने याद है लगाया था मैनकाइंड के लिए क्या? एंथ्रोपी, है ना, एंथ्रोपीज लगाया था। फिल, फिल आ गया शुरू में, एंथ्रोपी आ गया, मानव से रिलेटेड, तो फिलैंथ्रोपी, ये क्या हो गया? मानव के लिए। चलिए ऐसे आते हैं, अ मॉर्बिड फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। देखिए जब प्यार की बात आती है फिल, अब जब डर की बात आएगी फिलिक और फोबिक, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। जैसे अगर कोई व्यक्ति को डर लगता है तो वहां पे आएगा फोब, PHOB। ओके, अगर प्यार लगता है तो PHIL आएगा। अब मॉर्बिड फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, जिसको ऊंचाई से डर लगे, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे एक्रोफोबिया, फोबिया या PHOB। इसका मतलब क्या होता है? डरना। ओके, जिससे भय लगे। एक्रो, एक्रो बोलते हैं जो भी चीज वस्तु ऊंचे पे है या टॉप पे है, उसको बोलते हैं एक्रो। जैसे अगर आप पेड़ का बोलेंगे सबसे ऊंचा पॉइंट, या किसी पर्वत का सबसे ऊंचा पॉइंट, उसको बोलते हैं। जिसको ऊंचाई से डर लगेगा क्या हो जाएगा? एक्रोफोबिया, है ना। अगर मान के चलिए यहाँ पे होता कि जिसको ऊंचाई से मोहब्बत हो, ऐसे कई लोग रहते जिनको ऊंचाई उड़ना पसंद है, जिनको ऊंचाई पे रहना पसंद है या ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, वहां पे क्या हो जाएगा? एक्रोफिलिया।
ओके, फोबिया मतलब डरना, फीलिया मतलब जिसको पसंद आता है। चलिए, ऐसी अ मॉर्बिड फियर ऑफ वाटर, ऐसा जिसको पानी से डर लगे। कई लोग होते हैं जिनको पानी से डर लगता है, राजपाल यादव वाला याद है क्या, पानी से बच के रहना नहीं तो डर लगेगा, तो वो ऐसा व्यक्ति है जो पानी से डरता है। तो पानी से डरता है तो क्या लगेगा जी, फोबिया तो रहेगा, क्या हो जाएगा, वाटर के लिए हम लोग ले लेंगे हाइड्रो। वाटर को क्या बोलते हैं, हाइड्रो, है ना, हाइड्रो पावर प्लांट सुनेंगे, हाइड्रोफोबिया। ये क्या है, पानी से डर। जिसको पानी से प्रेम होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिया, है ना, ऐसा कोई चीज जिसमें पानी से आपको डर ना लगे, पानी से प्रेम हो, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिया। याद रखिएगा, एन इरिलेशन या इरेशन फियर ऑफ फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स, मेरे जैसे कोई व्यक्ति है जिसको विदेशियों से या अजनबियों से डर लगता है, तो इसको क्या बोलेंगे, उतना डर नहीं लगता, फिर भी जैसे कई लोग रहते हैं ना जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है, कोई अनजान इंसान सामने खड़े हो जाए तो हालत पतली हो जाती है, वैसे व्यक्ति को या वैसे फिनोमिना को क्या कहेंगे, तो देखिएगा, ज़ेनोफोबिया। ज़ेनो मतलब क्या हो गया आपका, कोई अनजान व्यक्ति, एक्स से पकड़िएगा, एक्स्ट्रा व्यक्ति कोई, है ना, और फोबिया मतलब डर, किसी को प्यार हो अजनबियों से क्या बोलेंगे, ज़ेनोफिलिया, याद रखिएगा। चलिए, रिलेटिंग टू स्पीच, जब भी बात आती है स्पीच की, या फिलिक और फोबिक याद रखिएगा, है ना, प्यार और डर, फोबिया में डर, फिलिया में प्यार, आते हैं रिलेटिंग टू स्पीच। स्पीच से जब भी बात आएगी याद रखिएगा, वर्ड आएगा फोन, phon, फोन। फोन का मतलब क्या होता है, साउंड। जब भी कोई चीज साउंड से रिलेट करेगी वहां पे आपको वर्ड मिलेगा फोन, phon, इस वर्ड को पकड़िएगा, आपका काम बन जाएगा। तो रिलेटिंग टू स्पीच क्या हो जाएगा, फोनिक हो जाएगा। ऐसे ही हैविंग अ प्लीजेंट साउंड, सुंदर साउंड आपको मिल रहा है सुनने को, तो क्या बोलेंगे इसको, देखिए यूफोनियस, क्या बोलेंगे, यूफोनियस। ओके, प्लीजेंट साउंड है तो यू ऐसे होगा ना, फोनियस, याद रखिएगा। चलिए, उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा, अगर इस पे और लेक्चर चाहिए बताइएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे हम लोग ऐसे ही और लेक्चर लेके आएंगे, पीटीएफ कोशिश करेंगे हम लोग इसकी प्रोवाइड करा दे, ऐप पे जुड़ जाइएगा, ऐप पे डेली टेस्ट हो रहे हैं अभी, और साथ ही साथ प्यून वाले टेस्ट भी चल रहे हैं, तो प्यून वाला टेस्ट आपको पेड लेना है तो आप ले सकते हैं, 50 रुपीज आपका चार्ज है, पूरा वो टेस्ट जुलाई मंथ तक में चलेगा, टोटल 8 टेस्ट है जिसमें 5 सब्जेक्टिव टेस्ट होने वाले पार्ट्स के हिसाब से, बाकी 3 मॉडल टेस्ट हैं, 100-100 क्वेश्चन और मॉडल टेस्ट 150 क्वेश्चन के। तो इतना था आज की वीडियो के लिए, इसको अभी ओवर करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, अगर कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा।